हेलो गाइस, तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी तो आज हम आए हैं पुष्कर, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पे, और अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और अंदर से दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो आप इसकी वीडियो पे बने रहें, और अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और अंदर का जो दर्शन करेंगे, मूर्ति के दर्शन आपको करवाएंगे। तो आप इस चैनल में बने रहें, और चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो पुष्कर में है, विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी का जो पुष्कर में है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जय ब्रह्मा। और ये आप देखिए, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो शाम का टाइम है और हम अभी आए हैं। तो ये आप जो सामने देख रहे हो, चतुर्मुख ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो पुष्कर मंदिर में स्थापित है, और पास में माँ गायत्री बैठे हैं। तो ये भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है, तो मैंने आपको ये दर्शन करवाए। तो दर्शन करने के बाद में पीछे से की साइड में जो परिक्रमा करके पीछे की साइड में दरवाज़ा है, ये मंदिर है आप देखिए। तो हम पीछे के जो दरवाजे हैं आए वहाँ से बाहर आ गए हैं इस साइड में, और अब यहाँ से होके हम आगे जाएंगे। तो यहाँ अगर आगे जाके पास ही में मंदिर है भगवान श्री नरसिंह का, तो वहाँ जाएंगे और भगवान श्री नरसिंह के जो दर्शन हैं वो भी करेंगे। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। तो काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पुष्कर अगर आप आए तो ब्रह्मा जी की जो दर्शन है वो करके ज़रूर जाइएगा। और आसपास में बहुत सारी मार्केट हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, कपड़े और जूतियाँ, तलवारें, बहुत सारी जो अलग अलग फैशनी आइटमें मिलती हैं। अभी हम भगवान नरसिम्हा के जो दर्शन है वो करेंगे, और फिर हम जो ये मार्केट है पुष्कर का इसमें घूमेंगे और आपको यहाँ का जो नज़ारा है, व्यू है वो बताएंगे। तो मंदिर के पास में जो मार्केट है वो आप देख सकते हो, चूड़ियों की है, महिलाओं के जो पर्स है वो हैं, जूतियाँ हैं, और पास में होटलें भी हैं। और यहाँ की जो प्रसिद्ध तलवार आप देख सकते हो, तलवारों के जो शॉप है, अलग अलग प्रकार के तलवारें हैं, अंदर पिस्टल है, एयर फायर वाली, और जूतियों की भी दुकानें हैं। काफ़ी अच्छा मार्केट है, सुंदर मार्केट है। तो आप देखिएगा इस प्रकार की जो मार्केट है, आपको पूरी पुष्कर मार्केट है जो मंदिर के पास की वो दिखाऊंगा। और कपड़े आप देख सकते हो, महिलाओं के लिए राजस्थानी पोशाक है, जो पुराने टाइम में लोग पहनते थे उस हिसाब की जो पोशाकें हैं उसकी जो शॉप हैं, और पुरानी जो म्यूजियम है, पुरानी चीज़ें हैं उनकी जो शॉप है। तो यहाँ की आप मार्केट देख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ ये पुराने कपड़े हैं, मूर्ति, चैन, काफ़ी अच्छा जो सजावट की हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर सुंदर जो पोशाक हैं वो हैं। तो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे, इस प्रकार की जो पोशाक हैं वो है। तो अगर आप शॉपिंग भी करें तो काफ़ी अच्छी अच्छी आपको डिजाइन की जो पोशाकें देखने को मिलेगी। अभी जो ब्रह्मा जी का मंदिर था पुष्कर के अंदर, उनके दर्शन किए, वहाँ का वीडियो शूट किया वो लोग। और अभी आप देख सकते हो मैं आया हूँ ये जो पुष्कर के अंदर जो अन्ना सागर झील है, अभी गाड़ी वहाँ रोड पे पार्क की है और हम आए हैं अन्ना सागर झील। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो झील है, अन्ना सागर झील, बहुत बड़ी झील है और पूरी पानी से भरी हुई है। और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है,
वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखिए पूरी जो सिटी है वो वहाँ आपको दिखाई देगी इस तरीके से वहाँ तक। और यहाँ पे पानी के अंदर देखिए जो लाइट है वो पड़ रही है, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ का जो नज़ारा व्यू है काफ़ी अच्छा है, और जो लोग हैं वो यहाँ पे बीच पे आते हैं शाम के टाइम पास करने के लिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो झील कुछ इस प्रकार से है। ये आप देखिए काफ़ी बड़ी और विशाल झील है, अन्ना सागर झील जो पुष्कर के अंदर है। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।